सैलो द 120 डेज ऑफ सोडम्स एक ऐसी मूवी जिसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंफ्यूजन बना ही रहता है कि ये मूवी में ये चीजें हो क्यों रही हैं, ये इन विक्टिम्स को इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं और इन्होंने ये कपड़े क्यों नहीं पहन रखे। फर्स्ट टाइम इस मूवी को मैंने 2019 में देखी थी और उस टाइम मेरे को ये मूवी एक घटिया निहायती घिनौनी मूवी लगी थी, लेकिन जब मैं आज इस मूवी को वापस से देखता हूँ तो मुझे इसमें कुछ अलग ही चीज़ें दिखती हैं। और मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है जहाँ पे मैं मूवी रिकमेंड करता हूँ और मैंने सैलो द 120 डेज ऑफ सोडम की भी रिकमेंडेशन वहाँ पे डाल रखी है। ये वीडियो मैंने आज से एक साल पहले ही एडिट कर दी थी ये सोचकर कि मैं इस चैनल पे ये वीडियो डाल दूंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहे जिसके कारण मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया। ओरिजिनली इस वीडियो की लेंथ अराउंड 12 टू 13 मिनट्स थी जिसमें से मैंने मैक्सिमम पार्ट हटा दिया है जो कि सिर्फ एक मूवी रिव्यू ही था या कहीं मूवी एक्सप्लेनेशन, और तुम अब जितना भी देखने वाले हो वो ट्रू सिनेमा लवर्स के लिए ही है। और लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में जितने भी मैंने पॉइंट्स रखे हैं वो सारे एक साल पुराने पॉइंट्स हैं, वो मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी और उस टाइम रिसर्च करी थी उस हिसाब से पॉइंट्स हैं। और मैंने अब जब इसके कुछ नए रिसर्च करे तो मुझे कुछ नए पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन अफसोस कि मैं उन सबको इसमें ऐड नहीं करना चाहता वरना ये वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, इसके लिए मैं दूसरा कुछ जुगाड़ देखता हूँ। नाउ एंजॉय द वीडियो। सैलो मूवी के शुरुआती दिनों से ही ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग फिल्में कंसीडर किया गया। इवन दिस मूवी सेंसर्ड इन मल्टीपल नेशन। पैसोलिनी हमें इस मूवी से ये दिखाना चाहते थे कि वो अपनी आंखों से इस मॉडर्न सोसाइटी को कैसे देखते हैं, और उन्होंने दिखाया भी। पैसोलिनी हमेशा किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे ही रहते थे अपने बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से। 1970 के शुरुआत में पैसोलिनी ने प्री मॉडर्न सोसाइटी को इलस्ट्रेट करने के लिए एक ट्रायोलॉजी डायरेक्ट की, ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ। द कैमरन, द कैंटरबरी टेल्स और अरेबियन नाइट्स, ये तीनों मूवी इस ट्रायोलॉजी का हिस्सा थी जो सेक्सुअलिटी और यूथफुलनेस को सेलिब्रेट करता है। इस ट्रायोलॉजी को फिनिश करते ही उनकी नजर प्री मॉडर्न सोसाइटी से हटकर मॉडर्न सोसाइटी पे आ जाती है और फिर यहाँ से जन्म होता है द सैलो 120 डेज ऑफ सोडम। ये न्यू ट्रायोलॉजी निकालने का पैसोलिनी का सिर्फ एक ही मिशन था कि वो मॉडर्न वर्ल्ड को डिनाउंस्ड कर सके, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ट्रायोलॉजी ऑफ डेथ की सिर्फ एक ही मूवी बन पाई जो थी सैलो 120 डेज ऑफ सोडम। सैलो मूवी जो है वो एडेप्टेशन है एक नोवेल का जो मार्केस ने लिखी थी जब वो जेल की सजा काट रहा था, और वो नोवेल फिनिश भी नहीं कर पाया उससे पहले उनकी डेथ हो गई। और सैलो मूवी तो बहुत लाइट एडेप्टेशन है मार्केस के नोवेल की, और सोचो अगर वो पूरी नोवेल छाप देते तो क्या होता। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें पॉलिटिकल सिचुएशन का पता चल जाता है। पैसोलिनी फैसिज्म से कुछ ज्यादा ही ना खुश थे और वो हमें मूवी में भी दिखता है। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो फैसिज्म को किस नजर से देखते हैं। मूवी आगे बढ़ती है तो हमें चार लिबर्टीज दिखते हैं, द ड्यूक, द बिशप, द मजिस्ट्रेट एंड द प्रेसिडेंट। ये चारों पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, और पावर मतलब इमेंस पावर, और साथ में फैसिज्म को भी। ये चारों आपस में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोई भी इन चारों में से बड़ा या छोटा नहीं है, और ये पावर इनके पास जब तक ही है जब तक इनके फेवर में मिलिट्री है, और साथ में टैबू ब्रेक करना इनकी एडिक्शन है। जैसे ही ये एक टैबू ब्रेक करते हैं जैसे कि होमोफीलिया और एडल्टरी, तो इन्हें उसमें वो पुरानी बात नहीं दिखती जो पहले थी। तो ये ऐसे ही और भी डिह्यूमनाइजेशन पर उतर आते हैं और अपनी बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं, लेकिन ये एक टैबू ब्रेक नहीं करते जब तक सही टाइम ना आ जाए, और वो है डेथ। ये अपनी पावर्स तभी अच्छे से दिखा सकते हैं जब विक्टम्स कम होंगे ताकि ये उनका शोषण कर सकें और जानवरों की तरह ट्रीट कर सके। एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि विक्टम्स को कॉन्स्टेंटली एक डर रहता है डेथ का, और इससे बचने के लिए वो एक दूसरे की गलतियां बताते रहते हैं इस होप में कि जो पनिशमेंट उन्हें मिलने वाली है वो थोड़ी कम हो जाए, जैसा हमने मूवी में देखा था। लेकिन ये पनिशमेंट मिलने क्यों वाली है, इसका आंसर भी मूवी में ही है। ये सीन तो हम सबने ही देखा था, लेकिन इसके बाद क्या होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इन्हीं लिबर्टीन्स का बनाया हुआ एक गार्ड होता है जो ये रेबेल कर देता है, और वो अपना एक हाथ ऊपर करके लिबर्टीन्स को दिखाता है कि इस किले में जहां मोरालिटी और ह्यूमैनिटी की कोई भी जगह नहीं है वहां पर भी एक ह्यूमैनिटी की किरण जिंदा है। लेकिन जो आखिरी होप होती है वो भी उन शैतानी शक्तियों के सामने नहीं टिक पाती, क्योंकि ये ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ नहीं ट्रायोलॉजी ऑफ डेथ है। जहां ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ में सेक्स और हैप्पीनेस की बात हुई है वो इस ट्रायोलॉजी में नहीं हो सकती। पूरी सैलो मूवी में हमें इन लिबर्टीन्स का नाम बिल्कुल भी नहीं पता चलता, बस हमें पता चलता है तो इनकी पोजीशंस के बारे में। इसीलिए ये इंटरचेंजेबल हैं, इनकी जगह कोई भी ले सकता है जो पावर में हो, जैसे पॉलिटिशियन, सीईओ या सेलिब्रिटी।
इतनी डिह्यूमनाइज चीजें करने के बाद भी इन्हें अपनी फैंटेसीज और इविलनेस को फुलफिल करना है। ये सबसे घिनौनी हरकत रिचुअल्स के थ्रू ही करते हैं ताकि ये उस रिचुअल की ब्यूटीनेस को पूरी तरीके से उजाड़ सके। और पैसोलिनी ने इसकी क्रूलनेस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया थ्रू हिज डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी। इस मूवी में जितने रिचुअल्स हैं ये इनके खुद के बनाए रिचुअल्स हैं। इस पैलेस में इनके खुद के लॉज हैं जो ह्यूमैनिटी और मोरालिटी को तोड़ने के लिए ही बने हैं। हर दिन एक रिचुअल के साथ शुरू होता है जो होता है एक लेडी प्रोस्टिट्यूट जो अपने पुराने इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज को इन सभी को स्टोरी की तरह सुनाती है या कहें आने वाले इवेंट्स के लिए उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर सके। फाइनल सीक्वेंस में जो कि है द सर्कल ऑफ डेथ, उसमें ये अपना लास्ट टैबू ब्रेक करते हैं और अल्टीमेट प्लेजर लेते हैं। और वो लास्ट टैबू है डेथ। जब उन विक्टिम्स को टॉर्चर किया जा रहा होता है तब वो उन्हें बायनोकुलर से देखकर प्लेजर ले रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ वही चार लिबर्टीन्स नहीं होते जो उन्हें बायनोकुलर से देखकर प्लेजर ले रहे होते हैं, उनके साथ होते हैं हम व्यूअर्स। पैसोलिनी ने हमें ये सीन उनकी आंखों से दिखाया, शायद वो हमें बताना चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम भी ये सीन इंजॉय कर रहे हैं, हमारे अंदर भी एक मॉन्स्टर छिपा है या वो हम ही हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि इन लिबर्टीन्स के बाद कौन अब इनकी जगह लेगा, और ऑब्वियसली इसका आंसर भी मूवी में ही है। इनकी जगह लेंगे ये गार्ड्स जो अब धीरे धीरे इनकी तरह ही बन चुके हैं, और वो भी धीरे धीरे हर बाउंड्रीज को पुश करेंगे और वो हर चीज करेंगे जो ह्यूमैनिटी के साफ अगेंस्ट है। इसीलिए लिबर्टीन्स के अंडर जितने भी लोग होते हैं वो सब मारे जाते हैं, चाहे वो गार्ड्स हो, विक्टिम्स हो या पियानो आर्टिस्ट। कुछ होते हैं जिनकी बॉडी मरती है और कुछ होते हैं जिनके सोल।